पत्रकार कल्याण के संघ अध्यक्ष नगर मजिस्ट्रेट सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। बहराइच पत्रकार कल्याण के संघ जिला अध्यक्ष के राशिद अली बहराइच कलेक्ट्रेट में नगर मजिस्ट्रेट के ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य क्रीम प्रभारी चरदा डॉक्टर अरिजीत श्रीवास्तव को फोन कर 30 जून को कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, तो उसके बदले में डॉक्टर अरिजीत श्रीवास्तव ने उन्हें गाली गलौज दी, जिसके लिखित शिकायत उन्होंने थाना प्रभारी रुपया से की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे नाराज पत्रकार के नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषी डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। वही दोषी डॉक्टर पत्रकार कल्याण के संघ के अध्यक्ष से कह रहे हैं कि माफी मांगो वरना तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अरिजीत श्रीवास्तव को अपने पद का दुरुपयोग कर राष्ट्र के चौथे स्तंभ पत्रकार की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। पत्रकार के पीड़न के मामले में अगर डॉक्टर अरिजीत श्रीवास्तव पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य क्रीम के प्रभारी चर्दा के पद से शीघ्र हटाने की मांग की है, वरना पत्रकार कल्याण के संघ रणनीति तैयार करके कलम और धरना प्रदर्शन के आंदोलन करेंगे, और पत्रकार के आंदोलन तभी रुकेगा जब तक दोषी को उसकी सजा मिल जाए। इस दौरान पत्रकार मोहम्मद अकील, अब्दुल कादिर खान, यूनुस खान आदि लोग मौजूद रहे। बहराइच से जिब्राइल खान की स्पेशल रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपारा के रहने वाले हैं और पत्रकार कल्याण संघ के छत पर बहराइच के अध्यक्ष हैं। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि 30/6/2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चंदा डॉक्टर श्रीवास्तव ने मेरे मामले में जानकारी करने पर फोन द्वारा उन्होंने गाली गलौज की और अपशब्द कहा। अब वर्तमान समय में वो फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं मुझे जी, जिसके लिए आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर आए हैं और जिलाधिकारी महोदय बहराइच को पत्रकार उत्पीड़न के संबंध में मांग पत्र दिया गया है और मांग की गई है कि अगर शीघ्र ही दोषी डॉक्टर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के साथ ही निलंबन की कार्रवाई करके मुकदमा नहीं दायर किया गया तो हमारे जो जनपद के पत्रकार साथी हैं या हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी पत्रकार साथी हैं सभी मिलकर इस मामले में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और इसकी जानकारी प्रकरण की जानकारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय, DIG देवी पाटन मंडल, पुलिस अधीक्षक महोदय, उप जिलाधिकारी नानपारा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा, सबको दी जा चुकी है। नहीं, जिलाधिकारी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है आपको? जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हो नहीं पाई है, उनके स्टाफ को मांग पत्र दिया गया है जी। इस कारण जो है कोई आश्वासन उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति ये है कि मांग पत्र पर देखेंगे, दो तीन दिन में अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बैठक करके संघ के लोगों की एक रणनीति तैयार की जाएगी और उसी के तहत आगे क्रमवार धरना प्रदर्शन आमरण अनशन किया जाएगा, थाना रुपैडिया का घेराव किया जाएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चर्चा का घेराव किया जाएगा और जब तक दोषी डॉक्टर अरिजीत श्रीवास्तव पर मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा तब तक पत्रकार हमारे खामोश।